समय माँ गंगा के पावन तट पर अखाड़े शाही स्नान के लिए पहुँचे हैं, लेकिन स्नान से पहले की जो उनकी एक प्रथा होती है माँ गंगा के पावन पूजन की, वो प्रथा इस समय की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस समय सामने देख सकते हैं आप किस तरह से अखाड़े अपनी धर्म ध्वजा के साथ माँ गंगा के पावन स्नान के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले माँ गंगा के पावन तट पर पूजा प्रार्थना की जा रही है, माँ गंगा की उपासना की जा रही है और संग में देवादि महादेव की प्रतिमा भी एक रखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ गंगा शिव के जटाओं से निकलती है, उसी को एक प्रतीक मान करके, उसी को एक रूप मान करके देवादि महादेव की भी पूजा उपासना की जा रही है और संग में अखाड़ों के जो इष्ट देव हैं उन इष्ट देवों का भी पूजन इस समय माँ गंगा के तट पर अखाड़े कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धर्म ध्वजा के नीचे माँ गंगा की पूजा उपासना की जा रही है, सभी अखाड़े बैठकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस पूजा अर्चना के बाद माँ गंगा के पावन जल में शाही स्नान होगा और ये शाही स्नान ऐसा दिव्य और भव्य स्नान होता है कि जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। 12 वर्षों के पश्चात महाकुंभ के दौरान इस शाही स्नान के दर्शन हो पाते हैं और इस शाही स्नान के अवसर पर ही उन तपस्वी संतों महंतों के दर्शन होते हैं जो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा के जल में स्नान करते हैं और इस शाही स्नान में सम्मिलित होते हैं और इस शाही स्नान में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं जो कि इन अखाड़ों के साथ सम्मिलित होकर माँ गंगा के पावन जल में स्नान करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइनों का भी पालन इस समय अखाड़े कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और माँ गंगा के पावन तट पर इस समय पूजा उपासना कर रहे हैं। माँ गंगा की पूजा उपासना और साथ में अपने अखाड़ों के जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा भी इस समय प्रारंभ कर दी है अखाड़ों ने और इस पूजन के पश्चात माँ गंगा के पावन जल में ये शाही स्नान करेंगे और इस शाही स्नान के साथ ही कुंभ का समापन भी होगा, लेकिन उससे पहले सभी अखाड़े बारी बारी से कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं, अपने इष्ट देवों का पूजन कर गंगा में शाही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज ये महाकुंभ 2021 का आखिरी और अंतिम स्नान है, इसके पश्चात कुंभ का समापन हो जाएगा। तो कुंभ के समापन से पहले शाही स्नान करते हुए ये अखाड़े कतारबद्ध तरीके से बारी बारी आ रहे हैं माँ गंगा के पावन तट पर पूजा अर्चना करने के पश्चात गंगा में शाही स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अखाड़े के इष्ट देव हैं उनको स्नान कराया जा रहा है और स्नान के साथ साथ माँ गंगा की भी पूजा अर्चना की जा रही है और इस समय माँ को दुग्धाभिषेक कराया जा रहा है, जो कि नज़ारा बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही भव्य है और ऐसा दिव्य और भव्य नज़ारा सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के दौरान ही नज़र आता है, क्योंकि आम दिनों में ऐसे दिव्य दर्शन नहीं हो पाते हैं, इस तरह की पूजा अर्चना नहीं हो पाती है। ये बड़ा ही दिव्य और भव्य नज़ारा है कि और बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है कि महाकुंभ के अंदर ऐसे दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं जो कि माँ गंगा का पूजन इस समय कर रहे हैं और माँ गंगा के पूजन की जो विधि इस समय प्रारंभ की गई है बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही भव्य है, क्योंकि अखाड़ों के महामंडलेश्वर इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, श्री महंत मौजूद हैं और सभी संत सन्यासी नागा संत इस समय मौजूद हैं, सामूहिक रूप से इस समय माँ गंगा की ये पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को दुग्धाभिषेक कराने के पश्चात माँ गंगा के पावन जल से स्नान कराया जा रहा है और इसी स्नान के पश्चात ये अखाड़ा माँ गंगा के पावन जल में शाही स्नान करेगा और इस शाही स्नान के साथ आज महाकुंभ का भी समापन होने वाला है। जहाँ पर महाकुंभ का अंतिम स्नान इस समय प्रारंभ हो चुका है और एक के बाद एक कतारबद्ध तरीके से अखाड़े स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पर माँ गंगा के जल में एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। इस समय आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे इस समय बैरागी अखाड़े स्नान करने के लिए पहुँच चुके हैं, जो कि आज ये शाही स्नान है और महाकुंभ का अंतिम स्नान है और बड़ा ही भव्य और दिव्य ये नज़ारा है कि जिस प्रकार से अखाड़े कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक करके
शाही स्नान के लिए माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर पहुँच रहे हैं। ये नज़ारा बड़ा ही दिव्य और भव्य है, क्योंकि अमूमन ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ के दौरान इन तपस्वी संतों के दर्शन हो पाते हैं, और इन अखाड़ों के संग ऐसे ऐसे संत महापुरुष, ऐसे तपस्वी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं जो 12 वर्षों के कठोर तप के बाद माँ गंगा के जल में स्नान करने के लिए महाकुंभ के दौरान हर की पौड़ी पर पहुँचते हैं। और कतारबद्ध तरीके से इस समय ये बैरागी अखाड़ा, जो कि श्री अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अणि अखाड़ा है, इस समय माँ गंगा के पावन तट पर पहुँचा है शाही स्नान करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अपनी ध्वजाओं को लेकर के ये शाही स्नान के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि आज अंतिम शाही स्नान है। और इस अंतिम शाही स्नान में अखाड़े अपने पूरे दलबल के साथ में माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर पहुँचे हैं शाही स्नान करने के लिए। और इनके संग पहुँचे हैं वो तपस्वी संत जो 12 वर्षों तक कठोर तप करते हैं हिमालय की गोदी में बैठकर, और 12 वर्षों के पश्चात महाकुंभ में उनके दिव्य और भव्य दर्शन हो पाते हैं। आज वही दिव्य और भव्य दर्शन इस समय माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर आप सभी को हो रहे हैं। यह नज़ारा बड़ा ही दिव्य और भव्य है। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा इस समय मौजूद है माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर ये शाही स्नान करने के लिए, और इस समय विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जा रही है माँ गंगा की उपासना के पश्चात ये सभी जितने भी संत तपस्वी महामंडलेश्वर इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी बैरागी अखाड़े से हैं, और बैरागी अखाड़ा इस समय माँ गंगा के पावन तट पर स्नान करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। और माँ गंगा की पूजा अर्चना के पश्चात माँ गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाएंगे ये तपस्वी संत। देख सकते हैं नज़ारा बड़ा ही दिव्य और भव्य है। लाखों श्रद्धालु महाकुंभ के इस आस्था के सागर में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, और माँ गंगा के निर्मल और पवित्र जल में ये अवसर 12 वर्षों के बाद मिलता है कि महाकुंभ में जो स्नान किया जाता है कई हजार गुना इसका जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि हजारों स्नान करने से महाकुंभ का एक स्नान एक बराबर माना जाता है। संत महातपस्वी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं महाकुंभ के वो महत्ता। महाराज जी शुभ नाम। हमारा नाम महंत रामदास, निर्वाणी अखाड़ा। आज माँ गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाई है, क्या महसूस करते हैं, और इस माँ गंगा के जल में स्नान करने का जो महत्व है वो क्या है? माँ के चरणों का तो महत्व को गिना नहीं सकता, ये तो पतित पावनी है, पापी से पापी को भी तारती हैं। और आज यह महाकुंभ पूर्णमासी के दिन पूर्णता की तरफ होते जा रहा है, आज का आखिरी शाही स्नान है, और इस दिन श्री हनुमान जी महाराज की भी जयंती होती है, इसलिए इसको हनुमान जयंती के नाम से और पूर्णमासी को पूर्ण कुंभ के नाम से जाना गया है। भगवान माँ पतित पावनी गंगा से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। तो जाना संत महापुरुषों ने किस प्रकार से ये दर्शन किए हैं, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है, और भी संत हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे भी कि आज माँ गंगा के जल में जो स्नान किया गया है ये स्नान कितने स्नान के बराबर माना जाता है? जी आज यह पूर्ण स्नान है, महाकुंभ का यह पूर्ण स्नान है। और हमारे यहाँ ऐसी कहावत है, अंत भला तो सब भला, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चैत्र माह का यह प्रथम पूर्णिमा है और इस दिन हनुमान जी की जयंती है। इसके अलावा एक खास बात मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, शायद अभी किसी को नहीं पता है, अब मैं बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अनंत गोपांगनाओं के साथ में महारास की पूर्णाहुति किए थे, इसलिए यह दिन अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह महारास के पूर्णाहुति का दिन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पूर्ण सेवक श्री हनुमान जी महाराज रुद्र के पूर्णावतार हैं, 11वें रुद्र हैं, उनकी पावन जयंती है, और आज के दिन हम लोग हरिद्वार में दिव्य भव्य स्नान कर रहे हैं, और प्रशासन का सहयोग रहता ही है और शुभकामना भी है। जिस तरीके से आज महाकुंभ का ये अंतिम शाही स्नान है, और अंतिम स्नान महाकुंभ का भी है क्योंकि इस स्नान के बाद महाकुंभ का समापन होने वाला है, तो आज इस स्नान को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह की आस्था इसमें रखते हैं? इस महाकुंभ के स्नान में 2021 में जो आज स्नान हुआ है वो विश्व के एक तरफ से तो रक्षा के लिए भी किया गया, वैसे ही हमारा लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पुराना रीत रिवाज भी है, और समुद्र से जो अमृत निकला था उसमें से चार बूंद चारों जगह गिरा, पर वो एक बूंद हरिद्वार हरि के पैड़ी पर गिरा, जिसे ब्रह्म कुंड बोलते हैं।
और आज के दिन स्नान करने से जैसे देवताओं ने अमृत पान करके अमर हो गए, पूरे विश्व के साधु संत स्नान करके आज के दिन खुद को अमर हो जाना, उनके परिवार, उनके समस्त शिष्य लोग, और उसमें से जो मनोरथ मांगते वो पूर्ण होता है, पाप का नष्ट होता है, धर्म का विजय होता है। जैसे चंद्रमा महीने में एक बार प्रकाशित देता है, वैसे ही आज के दिन नीचे से जल मैंने अमृत प्रकट होता है। इसलिए स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। लोग अपने शादी विवाह या किसी के लिए करोड़ों अरबों रुपये खर्चा करता है इलेक्शन में, लेकिन साधु संत लाखों करोड़ों रुपये खर्च करता है सिर्फ नहाने के लिए। क्यों? लोग शादी विवाह के लिए करते हैं, ये स्नान के लिए क्यों करते हैं? आज के दिन अमृत गिरा है इसलिए स्नान करते हैं, वो अमर होने के लिए। जय सियाराम। हाँ महाराज जी, एक सवाल और था आपसे कि महाकुंभ यूँ तो महीनों चलता है, लेकिन इस महाकुंभ के दौरान जो है शाही स्नान, अनेकों शाही स्नान होते हैं, तो कुल मिलाकर के कितने शाही स्नान महाकुंभ के दौरान होते हैं? वैसे तो मुख्य तो तीन स्नान होते हैं, पांच भी स्नान है, पर पब्लिक को देखते हुए विश्व की रक्षा करते हुए तीन ही स्नान हुआ है और दो स्नान अभी बाकी है। इसलिए अब फिर तीन साल के बाद में इलाहाबाद वाला कुंभ जो आएगा उसमें पूर्ण करेंगे। महाराज जी, जो आपने जैसा कि बताया कि जो महाकुंभ के दौरान जो स्नान होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा स्नान माना गया है, वो स्नान कौन सा स्नान है? सबसे बड़ा स्नान कुंभ में अपने जो सन्यासी बैरागी दोनों जो स्नान करते हैं, नहान तो सभी होता है, पब्लिक का भी और संतों का, पर वो कुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, कुंभ मेला का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, क्योंकि इसमें अमृत गिरा हुआ है, अमृत पान है। और स्नानों में अमृत शामिल, जैसे दूध में चाय पत्ती मिल जाती है, दूध में चाय पत्ती कैसे मिलती है, ऐसे अमृत इस जल में मिला हुआ है आज के दिन, इसलिए सबसे बड़ा स्नान ये माना गया है। जैसे गंगा तीर्थ हुआ और भी हुआ, सभी स्नानों में ये कुंभ का स्नान सबसे श्रेष्ठ है। महाराज जी, महाकुंभ का जब आगाज होता है तो ये ऐसे कौन से नक्षत्र, ऐसी कौन सी तिथियां होती हैं कि जिसमें महाकुंभ का आगाज होता है? इसमें सारे तिथियां, सभी देवताओं, इन्हें दैत और देवता दोनों का मिलन होता है, विष्णु और शिव और ब्रह्मा सब एकत्रित होते हैं। जैसे करुणा को लेकर पूरा भारत के सीएम और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मीटिंग करते हैं इकट्ठा होके, ऐसे ही सब गण देवता, दैत और देवता और ऋषि मिलकर समुद्र को मथन करते हैं तो अमृत निकलता है। जैसे विश्व के कल्याण के लिए, करुणा को निर्णय लेने के लिए पूरे भारत के सीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, ऐसे सभी देवताओं और ऋषि मुनि मिलकर निर्णय लेकर फिर ये कुंभ मेला स्नान का पर्व मनाते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से संतों के बीच एक खुशी की लहर है, क्योंकि माँ गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगाई है और इस आस्था की डुबकी को लगा करके ये खुद तो पावन हुए हैं, साथ ही माँ गंगा के इस जल को भी पवित्र कर दिया है, क्योंकि ये आस्था की डुबकी रोज नहीं लग पाती है। वैसे तो माँ गंगा के इस पावन जल में रोज स्नान होता है, लेकिन महाकुंभ के दौरान किए जाने वाले स्नान बड़े ही पवित्र और बड़े ही मान्यताओं से भरे होते हैं, और मान्यता यही है कि हजार स्नान के बराबर महाकुंभ का एक स्नान माना जाता है। एक आस्था की डुबकी हजार स्नान के बराबर मानी जाती है। माँ गंगा के इस पावन जल में महाकुंभ के दौरान तीन डुबकी अगर लगा ली जाए तो उसका जो पुण्य है वो 3000 स्नान के बराबर माना जाता है। कहा जाता है कि मंथन के दौरान जो अमृत की बूंदे छलकी थी, वो अमृत की बूंदे जहां जहां छलकी वहां पर महाकुंभ का स्नान किया जाता है और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड वो स्थान है जहां पर आस्था कलश को एक बार रखा गया था, और तभी से यहां पर ये आस्था का
कुंभ लगता है और आस्था की ये डुबकी लगती है। और इसी आस्था की डुबकी में सबसे पहले स्नान करते हैं अखाड़े, जो कि शाही स्नान करते हैं, और ये शाही स्नान अपने पूरे दल बल के साथ करते हैं, अपनी ध्वजाओं, अपने पताकाओं के साथ, अपने सभी साधु संतों के साथ, महंतों के साथ, महामंडलेश्वरों के साथ। और इस समय मौजूद माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर ये संत, ये तपस्वी, जो 12 वर्षों के बाद माँ गंगा के इस पावन तट पर जिनके दिव्य और भव्य दर्शन हो पाते हैं, वही दिव्य और भव्य नज़ारा इस समय माँ गंगा के इस पावन तट पर नजर आ रहा है। संत महापुरुष महामंडलेश्वर श्री महंत अभी माँ गंगा के पावन तट पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। हर की पौड़ी पर इस समय ये आस्था का सैलाब उमड़ा है, ये आस्था का महाकुंभ इस समय माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर मौजूद है और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी आस्था की डुबकी में इस समय लाखों श्रद्धालु यहाँ पर इस आस्था की डुबकी को लगा चुके हैं, आस्था में स्नान कर चुके हैं। इस आस्था के महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं और अपने गतवे तक जा चुके हैं, और इस समय ये अखाड़े यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। मैं मनोज कश्यप, ब्लैश टीवी के लिए हरिद्वार से।